स्वागत है। आज हम बनाएंगे पोहा। तो इसके लिए मैंने एक बाउल भर के पोहा ले लिया है, एक बाउल आलू ले लिए हैं, ये उबले हुए आलू हैं और उन्हें स्लाइस में कट कर लिया है, और एक बाउल मटर ले ली हैं, ये भी थोड़ी बॉईल कर ली हैं, एक 2 चम्मच राई है, आधा बाउल मूंगफली रोस्ट कर ली हैं, एक बाउल हरा धनिया धोकर बारीक कट कर लिया है, और छौंकने के लिए करी पत्ते के करीब 14-15 पत्ते हैं, 4-5 हरी मिर्चें बारीक कट कर ली हैं, 2 टमाटर बारीक स्लाइस कर लिए हैं, 2 हरी मिर्चों में कट लगा लिया है, 1 नींबू है और 2 प्याजों को भी बारीक कट कर लिया है। तो ये हमारा पोहा बनाने में सामान जाएगा। तो सबसे पहले हम पोहे को छलनी में डाल देंगे और इसको वॉश करेंगे ताकि इसकी सारी डस्ट वगैरह निकल जाए। तो पोहे को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसका पानी निचड़ने के लिए बास्केट में डाल दिया है। तब तक हम चूल्हे की तरफ चलते हैं। तो चूल्हे पर पैन रख दिया है और इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे, इसे गरम होने देते हैं। जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है तब तक हम पोहे में अपना सामान मिला देंगे। नींबू का रस मिलाएंगे, हरा धनिया मिलाएंगे, मटर भी डाल देंगे और आलूओं को भी डाल देंगे और 1 चम्मच नमक भी मिला देंगे और इन सबको मिक्स कर लेंगे। आधा चम्मच कुटी लाल मिर्चें भी डाल देंगे, इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो ये सब हमने मिक्स कर लिया है, तेल भी गर्म हो चुका है, तो इसमें राई दाने मिला देंगे, दानों को चटकने देंगे, दो हरी मिर्च डाल देंगे जिनमें हमने कीड़ा लगाया था, कर देंगे और इसके साथ ही अपनी कटी हुई प्याज भी ऐड कर देंगे और इनको हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। टमाटर हरी मिर्च भी मिला देंगे, और अपने मूंगफली डाल देंगे। दो मिनट इनको पकने देंगे, हल्का सा इसमें नमक डाल देंगे, एक चम्मच भरकर हल्दी भी डाल देंगे, अब इसमें पोहा भी ऐड कर देंगे। और इसको चलाएंगे। और इसको अच्छी तरह से चला लेंगे। लीजिए, तैयार है हमारा बेहतरीन नाश्ता, स्वादिष्ट पोहा। ये बहुत खाने में टेस्टी होता है, इसे ज़रूर ट्राई करें। इस तरीके से आप डिश आउट कर लेंगे। लीजिए, तैयार है शानदार सा पोहा, टेस्टी पोहा। इस तरीके से आप ज़रूर बनाएं। देखिए, एक एक खिला, एक एक दाना खिला हुआ है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।